I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. फिल्म रिकैप्स में आपका स्वागत है। शो का नायक बुधवार एडम्स नाम की एक अजीबोगरीब लड़की है, जो केवल 13 साल की होने के बावजूद है। छोटी लड़की मुश्किल से कोई भावना दिखाती है और मौत के साथ अजीब जुनून रखती है। वो काले और सफेद गॉथिक कपड़े पहनने के लिए भी बदनाम है, जो पहले दृश्य में हर किसी को अजीब लगता है। बुधवार को उसके चेहरे पर एक खौफनाक नजर के साथ हमारे हाई स्कूल में आता है। उसके लॉकर के अंदर वो अपने भाई पक्सले को अपने मुंह में एक सेब के साथ बंधा हुआ पाती है और जैसे ही वह उसे बाहर निकालती है, बुधवार को अचानक एक दृष्टि आती है जिसमें वह देखती है कि उसके भाई को किसने प्रताड़ित किया है। हमें पता चलता है कि वह एक सामान्य बच्चा नहीं है। बुधवार किसी के भूतकाल के साथ साथ भविष्य को भी छूने मात्र से देखने की क्षमता रखता है। एक बार जब उसे पता चलता है कि तैरने वाली टीम के गुंडों का एक समूह इसके पीछे है, तो वह पुरानों के जहन से भरे दो बैगों के साथ स्विमिंग रूम में चली जाती है। वह लापरवाही से पूल में खून के प्यासे पुरानों को खोल देती है, क्योंकि बदमाश अपने जीवन के लिए तैरते हैं। और अब बुधवार में यह स्पष्ट करता है कि कोई भी उसके भाई को अगले दृश्य में कटौती के अलावा नहीं उठाता है। हमें बुधवार के माता पिता मोटिसिया और गोमेज से मिलवाया जाता है। दोनों अपनी बेटियों की शरारतों से तंग आ चुके हैं और उन्होंने उसे प्रतिष्ठित नेवरमोर अकादमी भेजने का फैसला किया है। यह पता चला है कि इस अकादमी के सभी छात्रों में अलौकिक क्षमताएं हैं, साथ ही उन्हें नियंत्रित करने का पाठ पढ़ाया जाता है। मोटिसिया और गोमेज भी उसी अकादमी के पूर्व छात्र हैं, जो इंगित करता है कि उनके पास भी महाशक्तियां हैं। इस बीच एक यात्री नेवरमोर अकादमी के पास जंगल के माध्यम से एक एकल यात्रा पर निकलता है। दुर्भाग्य से कुछ ही मिनटों के बाद एक अज्ञात जीव उस पर हमला करता है और उसे खत्म कर देता है। स्थानीय शेरिफ बाद में कटे फटे शरीर को ढूंढता है और क्षेत्र का सर्वेक्षण करना शुरू करता है। हैरानी की बात है, हमें पता चला है कि यह भयानक हत्या अपनी तरह की पहली नहीं है। अगले बुधवार के अंत तक इसी तरह की कई घटनाएं हुई हैं, जो अकादमी में आती है और प्रिंसिपल लारिसा वेन्स से मिलती है, जो नेवरमोर को निर्बाध रूप से चलाती है। वो उसे एक रूममेट एनिड, एक वेयरवोल्फ से मिलवाती है, जो हर तरह से कल्पना करने योग्य है। एनिड एक जमीन से जुड़ी लड़की है, जिसके कमरे के किनारे चमकीले रंग की सजावट है, जबकि वेडनेसडे सभी चीजों को काला और गोल्फ पसंद करती है। बाद में एनिड ने बुधवार को मुख्य स्कूल समूहों की ओर इशारा करते हुए अकादमी का दौरा किया। धन्यवाद, पहले पत्थरबाज और तराजू नुकीले पिशाच हैं, फर वेयरवोल्व्स हैं, स्टोन अपोथेट्स गोर्गन्स हैं, सिर पर सांप और तराजू पर सायरन होते हैं, जो लोगों को बरगलाने की क्षमता रखते हैं, और इसमें उन्हें स्कूल की सबसे लोकप्रिय लड़की भी दिखाया जाता है। बियांका बाकले, एक भव्य जलपरी, और उसका पूर्व प्रेमी जेवियर थॉप, एक मृत्यु कलाकार जो अपने चित्र को वास्तविकता में बदल सकता है। इस बीच जैसा कि एडम्स परिवार अपनी कार में जाता है, गोमेज ने अपनी बेटी पर नजर रखने के लिए एक कटे हुए जीवित हाथ की चीज जारी की। अगले दिन बुधवार को तलवारबाजी की कक्षा में शामिल हो गया, जहां उसे प्रभावशाली बियांका के खिलाफ थोड़ा आगे और पीछे खड़ा किया गया। लड़कियों को समान अंक मिलते हैं, इसलिए वे अपने मुखौटे हटाने का फैसला करती हैं और तब तक लड़ती हैं जब तक कि कोई पहले खून नहीं निकाल लेता। जल्द ही दोनों के साथ एक क्रूर लड़ाई छिड़ जाती है, जो एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए मेल खाते हैं। हालांकि अंत में बियांका अंततः विजयी हो जाती है, जब वह बुधवार के फीक पर एक छोटा सा कट काटती है। बाद में बुधवार को पैचअप होने के बाद वह दुर्बलता से बाहर निकल जाती है। वह गिरने वाले पत्थर के गारगोयल द्वारा लगभग कुचलकर मार दी जाती है। सौभाग्य से मौत का कलाकार उद्धारकर्ता समय पर आता है और बुधवार को उसके कमरे में लौटने के कुछ ही समय बाद उसे रास्ते से हटा देता है, लेकिन उसे संदेह होता है कि कोई उसके हाथों को देख रहा है। वह कमरे की तलाशी लेती है और अंत में हाथ की चीज को महसूस करती है कि यह उसके माता पिता बुधवार को धमकी दे रहे हैं। बुधवार की पराना शरारत के कारण हाथों को उसके प्रति वफादार होना चाहिए, नहीं तो वह उन्हें एक दराज में बंद कर देगी। उसे अनिवार्य चिकित्सा सत्र लेना है, इसलिए प्रिंसिपल लारिसा उसे नेवरमोर के बाहर एक छोटे से शहर जेरिको में अपने चिकित्सा सत्र में ले जाती है। वह अपने चिकित्सक से मिलती है, लेकिन कुछ भी नहीं खोलती है। इसके बजाय बुधवार के मन में एक और विचार है। वह खुद को टॉयलेट के लिए बहाना करती है और खिड़की से भाग जाती है। एक बार उस तरफ वह गलती से एक आदमी से टकरा जाती है। अचानक उसे एक दृष्टि दिखाई देती है, जहां वह उस आदमी की मौत को देखती है। बुधवार को भयभीत होकर पास की एक कॉफी शॉप में जाती है। वहां उसका सामना शेरिफ के बेटे टॉयलर से होता है, जो एक बरिस्ता टॉयलर भी है, जो अपनी एस्प्रेसो मशीन के साथ कुछ यांत्रिक कठिनाइयों का सामना कर रहा है। दिशाएं स्पष्ट रूप से इतालवी में हैं, लेकिन शुक्र है कि बुधवार को इतालवी पढ़ा जा सकता है और वह आसानी से डिवाइस को ठीक करती है और बदले में निकटतम बस स्टॉप के लिए लिफ्ट मांगती है। लेकिन इससे पहले कि टॉयलर जवाब दे पाता, अचानक तीर्थयात्रियों की वेशभूषा पहने बदमाशों की तिकड़ी स्टोर पर पहुंच जाती है और एक बार जब वे उन्हें अनदेखा करने की कोशिश करते हैं तो उसे ताना मारते हैं। लेकिन जब वह इसे और अधिक नहीं सह सकती तो वह वापस लड़ती है और थोड़ी देर बाद आसानी से उन्हें मार देती है। प्रिंसिपल लारिसा शेरिफ के साथ स्टोर पर पहुंचती है और गुस्से में नरसंहार को नोटिस देती है।
उसे शहर से दूर ले जाने से पहले बुधवार को रेड किया जाएगा। अकादमी वापस जाते समय वे एक भयानक कार के मलबे से गुजरते हैं। पीड़ित वही आदमी है जिसने बुधवार को पहले उसकी दृष्टि में देखा था। बाद में उस रात वह डॉम बालकनी में अपने सेलों पर एक भूतिया गाना बजाती है। एक पूर्णिमा है और कई वेयरवोल्व्स को पृष्ठभूमि में गरजते हुए सुना जा सकता है। हालांकि एनेट जो एक वेयरवोल्फ है ने खुलासा किया कि वह उनके साथ शामिल नहीं हो रही है क्योंकि वह खुद को बदल नहीं सकती है। इस बीच टॉयलर के कमरे में गाते हैं और उसे बुधवार को फोन करने के लिए कहते हैं। हालांकि वह डरता है और बुधवार को वीडियो चैटिंग शुरू करने के लिए टॉयलर को अगले दिन फसल मेले में मिलने के लिए कहता है, यह दावा करते हुए कि यह मजेदार होगा। हालांकि वास्तव में वह सिर्फ अकादमी से बचना चाहता है, जबकि मेले में हम लारिसा को बुधवार को बाज की तरह देखते हुए देखते हैं। इसके बावजूद गोल्फ किशोरी किसी तरह टॉयलर के साथ पकड़ने का प्रबंधन करती है। दोनों लगभग वहां से भाग निकले, लेकिन वही बुधवार को अपने एक सहपाठी रोवन से टकरा जाती है। वह तुरंत जंगल में भाग जाता है और बुधवार को उसे छूने के बाद से उसे एक दृष्टि है कि रोवन को बेरहमी से पीटा गया है। किसी के द्वारा भयभीत होकर मर जाना उसका दिल बदल गया है और वह खबर देने के लिए उसके पीछे जाती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती रोवन अपनी टेलीकिनेसिस क्षमता का उपयोग करता है और उसे एक पेड़ में ऊपर सुरक्षित करता है। इसके बाद उन्होंने खुलासा किया कि उनकी मां एक शक्तिशाली दृष्टा ने बुधवार को 25 साल पहले नेवरमोर अकादमी को नष्ट करने की कल्पना की थी। रोहन का मानना है कि कुछ भी बुरा होने से पहले उसे मारना होगा। उसके बाद वह कम से कम उसके टेलीकिनेटिक डिनर के द्वारा उसके टेलीकिनेटिक रूप से गीज को चोक करना शुरू कर देता है, लेकिन अचानक एक विशाल राक्षस आंसुओं में लुढ़क जाता है और पतली हवा में गायब हो जाता है। बुधवार को उसके कटे फटे शरीर पर खड़ा हो जाता है और पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में उसकी मां के कथित चित्रण को देखता है। शेरिफ द्वारा रोवन के शरीर की तलाश शुरू की जाती है, लेकिन वह उसे ढूंढ नहीं पाता है। जैसा सोचा था, शेरिफ रोवन पर हमला करने वाले एक राक्षस के बारे में बुधवार के बयानों पर विश्वास नहीं करता है और सोचता है कि यह कभी भी अधिक छात्र नहीं था। इसके बजाय एक अधिकारी उनकी बातचीत को बाधित करता है और आश्चर्यजनक रूप से हम रोवन को देखते हैं जो बहुत अधिक जीवित है। जब बुधवार उसके कमरे में आता है, उसने नोटिस किया कि उसकी रूम में टेनिस पोलो कप प्रतियोगिता और वार्षिक बोट राइडिंग गेम में बहुत व्यस्त है। बाद में वह रोहन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रिंसिपल लारिसा उसे बताती है कि उसे एक कारण से निष्कासित कर दिया गया है क्योंकि वह परिणाम के रूप में साझा नहीं कर सकती है। बुधवार को प्लान बी पर लौट आती है और रोहन पर नजर रखने के लिए कहती है। इसके बाद यह दृश्य कट जाता है कि आसपास के अवलोकन के बाद बारीकी से देखने के साथ ट्रेन स्टेशन पर कौन पहुंचा है। वह गुप्त रूप से टॉयलेट में जाता है और एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में अपना रूप बदलता है। दुर्भाग्य से वह उसका ट्रैक खो देता है और इस परिवर्तन को याद करता है। बाद में बूढ़ा आदमी सिद्धांत में बदल जाता है। एरिसा सिर्फ यह बताता है कि वह वास्तव में एक शेप शिफ्टर है और किसी कारण से वह रोवन की हत्या को कवर कर रही है, जिसके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। बुधवार को जंगल में रोवन की हत्या के सुराग देखने के लिए उद्यम करती है। वह टॉयलर के साथ है जो अपने पिता को घूर रहा है। थोड़ी देर के बाद उसे ड्रोन के चश्मे मिलते हैं और जैसे ही वह उन्हें उठाता है, उसके पास एक दृष्टि में वह एक बैंगनी किताब देखती है जिससे रोहन को ड्राइंग मिली। बिना समय बर्बाद किए बुधवार को वह किताब के बारे में अपने क्लास टीचर से बात करती है और बाद में पता चलता है कि यह एक पुराने छात्र समाज से संबंधित है जिसे नाइटशेयर कहा जाता है। हालांकि स्कूल के बुधवार के बाद समाज लंबे समय से भंग हो गया है। किताब देखने के लिए रोवन के कमरे में घुस गया। उसे अपने बिस्तर के नीचे एक मुखौटा मिला, लेकिन इससे पहले कि वह जा सके जेवियर आ गया। यह पता चलता है कि वह बुधवार को रोवन का रूममेट है। जल्दी से बिस्तर के नीचे छिप जाता है और ठीक उसी समय बियांका भी अपनी कुल्हाड़ी देखने आती है। वह उनकी बातचीत सुनती है और जानती है कि बियांका आगामी नाव लेखन प्रतियोगिता में इसे कुचलने की योजना बना रही है। इसलिए जैसे ही वह बुधवार को अपने कमरे में लौटती है, प्रतियोगिता में शामिल होकर उसकी मदद करने का फैसला करती है ताकि वे अगले दिन बुधवार को बियांका को नीचे ले जा सके और प्रतियोगिता के लिए कमर कस सके, क्योंकि कोई नियम नहीं है। यह सब उचित खेल है और बियांका इसका अपने लाभ के लिए उपयोग कर रही है। चार टीमें हैं और खेल यह है कि उन्हें अपनी नाव को एक गंतव्य तक ले जाना है और जो कोई भी झील में दस्तक दिए बिना फिनिश लाइन पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति है उसे विजेता घोषित किया जाता है। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू होती है, बियांका अपने एक दोस्त की ओर इशारा करती है जो दूसरी नावों में तोड़फोड़ करने के लिए तैयार है। वह दोस्त जो जलपरी बन जाता है झील में गोता लगाता है और नावों में से एक को नष्ट कर देता है और टीम को बाहर कर देता है। शुक्र है वेडनेसडे और एनेट को तैयार किया जाता है, इसलिए किसी चीज की मदद से वे जलपरी को पकड़ने में कामयाब रहे। हालांकि प्रतियोगिता के दौरान बुधवार को एक और दृष्टि है। इस बार वह खुद का एक सुनहरे बालों वाला संस्करण देखती है और वह संस्करण उसे बताता है कि वह महत्वपूर्ण उलझन में है जब वे वास्तविकता में झपकी लेते हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि बियांका की टीम दौड़ में आगे बढ़ रही है। वह उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और एनी ने गंदा खेलने का फैसला किया। वे बियांका के अंधेन का उपयोग करते हैं उसके खिलाफ तरीके और अंत में प्रतियोगिता जीते। इसके साथ ही गैर सौरोन टीम ने सम्मानित प्रतियोगिता जीती है और चार दशक बाद पहली बार विजेता टीम को प्रिंसिपल एरिसर द्वारा सम्मानित किया जाता है जो एनेट को पोल्ट कप ट्रॉफी सौंपते हैं। हालांकि बुधवार ध्यान का सामना करने में असमर्थ है,
इसलिए वह नेवरमोर अकादमी के पूर्व छात्र एडगर अलन पो के साथ सांत्वना पाती है। अचानक उसे पत्थर की उस किताब के नीचे एक प्रतीक दिखाई देता है जिसे उसने पकड़ा हुआ है। यह वही प्रतीक है जो तस्वीर में उकेरा गया था। रोवन ने बुधवार को मरने से पहले उसे सौंप दिया था। जल्दी से किताब में उकेरी गई पहेलियों की एक श्रृंखला को हल करता है और एक सुराग पाता है जो दो बार झपकी लेने पर दो बार टूट रहा है। अचानक एक गुप्त गलियारा खुलता है जो एक छिपे हुए कक्ष को प्रकट करता है। यदि इस अकादमी में एक बीट पोएट्री क्लब होता तो यह पोर्टल एक रहस्य नहीं होता। बुधवार को रोवन की उस पुस्तक को सफलतापूर्वक खोज लेता है जिससे उसने तस्वीर को फाड़ दिया था। वह किताब को अपने बैग में रखती है, लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाती, कुछ ही देर बाद किसी ने उसके सिर पर एक काली बोरी फेंक दी। जब बोरी उतारी जाती है, वह खुद को बियांका उद्धारकर्ता से घिरा हुआ पाती है और कुछ और छात्र जो अच्छे शैड्स क्लब के सदस्य हैं, बाहर निकलते हैं। हालांकि समूह को पहले भंग कर दिया गया था, प्रिंसिपल एरिसा ने इसे गुप्त रूप से बहाल कर दिया। जेवियर ने बुधवार को अपने समूह में शामिल होने का आग्रह किया, लेकिन वह सीधे मना कर देती है और चली जाती है। अगले दृश्य में हम प्रिंसिपल एरिसा को वार्षिक आउटरीच दिवस की घोषणा करते हुए देखते हैं, जहां नेवरमोर छात्रों को सामान्य लोगों के साथ घुलना मिलना होगा, जिन्हें आदर्श के रूप में भी जाना जाता है, उनके प्रतिष्ठानों में उनके साथ काम करके। एक बार जब वे शहर में बुधवार को पहुंचते हैं तो जेवियर को बताते हैं कि उनके रूममेट की हत्या हो सकती है। सीढ़ी को नहीं लगता कि रोवन मर चुका है क्योंकि उसे केवल निष्कासित कर दिया गया था। इसके बावजूद बुधवार को उसे वह तस्वीर दिखाई गई जो रोवन की मां आकर्षित जेवियर ने इसे करीब से देखा और खुलासा किया कि चित्र में दिखाया गया आदमी वास्तव में जेरिको का संस्थापक है। जोसेफ कुछ समय बाद बुधवार को तीर्थयात्री दुनिया में स्वयंसेवा करने का फैसला करता है। जेरिको को धारण करने वाला स्थान इतिहास है। वहाँ उसकी मुलाकात यूजीन से होती है, एक युवा लड़का जिसकी उसने मधुमक्खी पालन क्लब में दोस्ती की थी, ताकि वह तुरंत बात कर सके और आसपास का अवलोकन करना शुरू कर सके। तीर्थयात्रियों की देखभाल करने वाली मिस अर्लीन जल्द ही छात्रों से संपर्क करती है। वह उन्हें एक यात्रा देती है और जोसेफ क्रैकस्टोन की कुछ प्रिय कलाकृतियों के बारे में बात करती है। बुधवार को कलाकृतियों के बारे में अधिक पूछती है और सीखती है कि उनके पास मूल कृषि उपकरण, टेबलवे और यहाँ तक कि परिवार भी है। चैम्बर पॉट, जिसे वह वहाँ काम करना चाहती है लेकिन नहीं कर सकती क्योंकि इसके बजाय इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। वे सभी बुधवार को बाद में स्थानीय पर्यटकों को फज और केक वितरित करने के लिए उपज जालसाजी पर काम करने जा रहे हैं। यूजीन की सहायता से दरार पत्थर परिवार के कक्ष में घुस जाता है। उसे पुराने मीटिंग हाउस की एक पेंटिंग मिलती है जिसमें उसकी दृष्टि से लड़की शामिल होती है। कुछ ही समय बाद उसे वह किताब भी मिल जाती है जिसे लड़की ले जा रही थी। हालांकि जब बुधवार को पता चला कि पन्ने खाली हैं, उसे शक है कि यह नकली है। तभी केयरटेकर अर्लीन आता है और उसे बुधवार को पकड़ लेता है और मूल किताब के बारे में पूछता है, और अर्लीन ने झिझकते हुए खुलासा किया कि यह पिछले महीने चोरी हो गया था। बाद में टॉयलर बुधवार को कॉफी शॉप में फिर से मिला। बाद वाले ने जोसेफ क्रैकस्टोन के बारे में पूछताछ की। पूरी तरह से पता चलता है कि मूल बैठक घर से जो बचा है वह जंगल में है। यह बहुत ज्यादा खंडहर है और मैथेड उस जगह का उपयोग क्रैश पैक के रूप में तुरंत बुधवार को करते हैं और जोसेफ की तलाश में जंगल में प्रवेश करते हैं। दरार वाले पत्थरों की जगह वे अंततः इसे ढूंढते हैं और एक बेघर आदमी के पास आते हैं जो उसे घुटता है और उन्हें डराता है। क्या नरक की बात। बुधवार को अचानक एक दृष्टि का अनुभव करती है। इस बार वह अतीत में 400 साल की यात्रा करती है। हम उस गोरी लड़की को देखते हैं जिसका सामना उसने पहले दृष्टि में किया था। ऐसे ग्रामीण हैं जो लड़की को घेर रहे हैं क्योंकि वे उसे शैतान कहते हैं। जल्द ही अंडे और यूसुफ दरार पत्थर उठता है भीड़ से और उसे गुडी एडम्स कहते हैं। वह उस पर डायन होने का आरोप लगाता है और उसकी माँ सहित अन्य आरोपी लोगों से भरे एक खलिहान में मरने की निंदा करता है। बदले में गुडी भी उन पर उनकी जमीन चोरी करने, निर्दोषों का वध करने और उन्हें लूटने का आरोप लगाती है। क्रोधित जोसेफ में शांतिपूर्ण आत्मा थोड़ी देर के लिए उसे घूरती है और फिर खलिहान को एक अच्छी जगह पर सेट करती है। वह आपकी माँ को मुक्त करने की कोशिश करती है लेकिन उसके सारे प्रयास व्यर्थ जाते हैं। अंत में जब कोई उम्मीद नहीं बची तो वह एक जाल के रास्ते से भाग निकली। इस बीच बुधवार को सैम बुडी के साथ खलिहान में यह सब देखता है और दावा करता है कि यूसुफ अपने धर्मयुद्ध को तब तक नहीं रोकेगा जब तक कि वह इस रहस्य उद्घाटन के साथ उन सभी को नहीं मार देता। बुधवार को उसकी लंबी दृष्टि से उठता है और गाने के लिए सब कुछ समझाता है। मुझे लगता है कि हमने किसी को पाया है जो आपके लिए यह कहते हुए घुटना। अच्छा है कि अचानक वे उसी राक्षस को देखते हैं जिसने रोवन को उनके पीछे दुबक कर मार डाला था, और बुधवार बारिश में उसके पीछे भागता है लेकिन वह नहीं रख सकता है और वह पैरों के निशान का पीछा करती है जो अजीब तरह से बदलना शुरू कर देती है मानव का। इससे पता चलता है कि राक्षस वास्तव में एक मानव अधिकार है। फिर वह जेवियर में दौड़ती है और उसे बताती है कि उसने क्या देखा। वह पटरियों को देखना चाहता है लेकिन बारिश ने उन्हें पहले ही धो दिया है। अगले दिन बुधवार को जोसेफ क्रैकस्टोन को समर्पित एक नई प्रतिमा के अनावरण के लिए टाउन स्क्वायर में हर कोई फिर से इकट्ठा होता है। जेरिको मार्चिंग बैंड के साथ फ्लीटवुड मैक के डोंट स्टॉप का वाद्य संस्करण बजाता है, जबकि महापौर और लारिसा ने स्नैच की घोषणा की। हालांकि आपदा तब आती है जब बुधवार के आदेश के अनुसार मूर्ति को आग की लपटों में डाल दिया जाता है, जबकि अन्य भयभीत होकर भाग जाते हैं। बुधवार की आंखें प्रतिशोध से चमक उठती हैं क्योंकि वह तेजी से सेलो बजाती है।
बाद में प्रिंसिपल एरिसन ने बुधवार को संदेह जताया कि वह घटनाओं का कारण बनी। हालांकि किशोरी ने कुछ भी करने से इनकार कर दिया और इसके बजाय लैरिसा को उस खूनी नस्लवादी सच्चाई को स्वीकार करने से मना कर दिया जिस पर जेरिको की स्थापना हुई थी। जोरदार तरीके से हाँ कहना। उस रात पहले से बेघर आदमी पर राक्षस द्वारा हमला किया जा रहा है और उसका कैमरा घटना की तस्वीरें लेना शुरू कर देता है। क्षण भर बाद शेरिफ और उसका दल जंगल के खंडहरों में पहुंचे और बेघर आदमी को मृत पाया। उन्होंने अपने कैमरे पर फुटेज की खोज की जो कि शेरिफ को हत्यारे के चेहरे पर फोटो विकसित करने के बाद अपराधी के चेहरे को प्रकट कर सकता है। बुरे सपने से पैदा हुआ एक राक्षस। इस तरह के और अधिक के लिए सदस्यता लें, सूचनाएं चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए एक लाइक छोड़ दें। देखने के लिए धन्यवाद।